स्वागत करते हैं आपका विकास कोचिंग इंस्टीट्यूट के सक्सेस स्टोरी सागा में। मेहनत की तो इंसान पानी भी नहीं पी सकता है खुद से, तो मेहनत तो करना पड़ा, मेहनत बहुत किया मैंने। आज हमारे साथ एक प्यारी सी छात्रा है अंजलि, जिनका हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में चयन हो चुका है। स्वागत करते हैं हम आपका अंजलि। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बधाई भी शुभकामना भी। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक फाइनली एक रिलीफ वाला फीलिंग आ रहा है। आपकी मुस्कान देख के लग रहा है कि आप काफी खुश हैं। ये खुशी के हकदार भी आप खुद हैं। कैसे ये गट्स कैसे लाए? आप मेहनत कर रहे थे या बिना मेहनत के ये मिला? बिना मेहनत के तो इंसान पानी भी नहीं पी सकता है खुद से, तो मेहनत तो करना पड़ा, मेहनत बहुत किया मैंने। अपनी सफलता का क्रेडिट अपने मम्मी पापा, मेरे बड़े मम्मी बड़े पापा को भी देना चाहती हूँ। साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने अपना पढ़ाई किया है, स्पेशली उसमें से मेरे दो बहुत ही अच्छे दोस्त अमृता और विवेक, उन्होंने मुझे हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मेरे सारे टीचर्स, तमाम टीचर जिनसे भी मैंने अभी तक कुछ भी सीखा हो, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सफलता हासिल करना और तैयारी करना, ये दो अलग अलग चीज़ है। तैयारी अगर सही दिशा में किया जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चा अभी तैयारी शुरू कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल हर साल बढ़ता रहता है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो तैयारी करें कि वो निश्चित सफलता की ओर आगे बढ़े? कॉम्पिटिशन जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है तो लोग को पैनिक नहीं करना चाहिए, कि अपने लक्ष्य पे वो अडिग रहें, कंटिन्यूटी से पढ़े, कंटिन्यूस रहें, ये नहीं कि आज पढ़े तो कल छोड़ दें। एक लक्ष्य बना के रखें और उस पर हमेशा डेली अपना फॉलो करें और अच्छे से अपना 100% दें। कोई उसमें ईमानदारी से मेहनत होना चाहिए, कोई काम चोरी की कोई जगह नहीं बच रही, बिल्कुल नहीं। तो आप कितना आवर्स देती थी सेल्फ स्टडी पर? टू बी ऑनेस्ट, मैं डेली 6 आवर्स पढ़ती थी, 5 to 6 आवर्स मेरा होता था। अगर आप सब्जेक्ट वाइज इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो मेरा ज़्यादा टाइम मेरा सेट बनाने में जाता था, तो मैं सेट पे ज़्यादा फोकस रहती थी। मैंने फाउंडेशन पहले ही कर लिया था, तो अभी मेरा ज़्यादा फोकस सेट बनाने पे ही था, तो मैं ऑन द होल मैं सेट ही बनाने पे ज़्यादा फोकस रहती थी। आपका ग्रेजुएशन किस साल हुआ था? मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया था। 19 के बाद 2021 में आपने फाइनल सिलेक्शन दिया, तो तैयारी आपने कब शुरू की थी, 12th के बाद या 12th मतलब ग्रेजुएशन के बाद? 12th के बाद एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या सेक्टर में जाना चाहिए, तो उसके बाद मैंने 1 साल टाइम लिया। फिर इधर मैंने ग्रेजुएशन में तब तक मैं नाम लिखवा चुकी थी, तो उसके बाद फिर उसके बाद मैंने फाउंडेशन किया, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ मैं यहाँ बिहार शरीफ आई। एक्चुअली मैंने फाउंडेशन पटना से किया था, तो यहाँ मैं आई तो फादर्स ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने विकास कोचिंग के बारे में सजेस्ट किया मुझे, तो फिर मैं यहाँ आई। और यहाँ का, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ का टेस्ट सीरीज़ मुझे बहुत फ़ायदा किया है, और कहीं ना कहीं मेरा 70-80% रिज़ल्ट यहाँ के टेस्ट सीरीज़ से हुआ है। नहीं, रिज़ल्ट तो आपकी मेहनत की वजह से ही हुआ है अल्टीमेटली, लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लगातार प्रयास करते हैं और आप लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल है। 19 में आपने ग्रेजुएशन किया, लॉकडाउन का वो पीरियड था जिसको आपने इस्तेमाल किया, और मैं फिर से कहूँगा कि आपकी ये मुस्कुराहट बता रही है कि आपने जो मेहनत किया उसका फल आपको मिला है। और मैं चाहूँगा कि आप आने वाले वक्त में और भी ऊँचाइयाँ हासिल करें, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर असफलता मिलती है तो फिर आगे सफलता के लिए किस तरह से प्रयास करना चाहिए? असफलता आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सफल ही हो जाओ, लेकिन उस चीज़ पे आपको बैठना नहीं है, आपको आगे कंटिन्यूटी आपको बना के रखना है। 1-2 दिन बुरा लगेगा, लेकिन उससे आप पूरा अपना आने वाला सेशन ख़राब नहीं कर सकते हो। आप उसको एक टाइम के लिए आप उसको रखो, ठीक है उदास हो, लेकिन फिर आप लग जाओ अपने मेहनत करने में, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और अंजलि, जिन्होंने काफ़ी कम समय में ग्रेजुएशन के बाद, चूँकि एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन की होती है, तो केवल 2 सालों में इन्होंने अपना अंतिम चयन सुनिश्चित कर लिया, मैं ये सभी बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ अंजलि के माध्यम से कि आप अगर मेहनत करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता हासिल करने के लिए 3 साल 4 साल या 5 साल वेट करना पड़े। अगर आप सही दिशा में काम करते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आप सफल हुई हैं, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में
आप अपने आप को और बेहतर जगह पे प्लेस करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।